Chị gái à? हाँ शिव भगवान को है। मैं कह रही ना, आप बोल रही थी ना, मैं आपको उधर उसकी नंदी की एक खंडित प्रतिमा रहेगी उस साइड। हाँ ये इधर देखो, कैसे पूरज के देखो डिजाइन से बनाया हुआ है पहाड़ों को। ये देखो उधर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं। ये शिव मंदिर है, ये शेर की प्रतिमा है, खंडित हो गई है। ये भी शायद शिव शेर की है। ये इधर इनके बारे में लिखा हुआ है। ये देखो ये प्रतिमा, ये कोई बड़ी प्रतिमा है कोई से भगवान की, जो कि खंडित हो गई है। ये यहीं से अपने को पता चला होगा कि मंदिर में वो बना हुआ रहता है ना फेरी के लिए। फेरी दे रहे हैं हम। गुफाओं को काट के किस तरीके से बनाया हुआ है। तुम आराम से चलो, अब उधर की तरफ चलते हैं ना। ये देखो फ्रेश सलाद है क्या? हाँ तो फ्रेश सलाद। अब क्या, अब नीचे चलते हैं। उस तरफ है नहीं, नहीं अभी उधर है बहुत सारी एलिफेंट। ये तो अभी बस शुरुआत है, अभी तो बहुत लंबी है। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इधर चलो क्या? हाँ उधर चलना है। ओह उधर से देखो मुंबई का व्यू, वाओ ब्यूटीफुल। ये हुकुम को बढ़िया लग रही थी घूम के। पहले आ रहे थे तब थोड़ी चढ़ाई के कारण थकान सी हो गई थी, बट अभी हवा चल रही है अच्छी अच्छी तो अच्छा लग रहा है। देखते हैं आगे की तरफ। देखो मंकी, छोटे छोटे बच्चे। अभी सही हो गया ना मौसम, थोड़ी हवा चल रही है। टाइम क्या हो गया? टाइम पता ही नहीं क्या हो गया। 3 बज गए बस। इधर से थोड़ा सा कवर करके फिर चलते हैं। ये डॉगी भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। सेल्फी लेंगे क्या आप? नो आप लेंगे तो ले नहीं, सकते नहीं, हैं क्योंकि अभी ज्यादा हो गया है। ठंडा ही ठंडा सही नहीं है फिर ज्यादा। ये देखो इधर और है कुछ। ये उधर इधर भी कुछ गुफा जैसा बना हुआ है। इधर नहीं हूँ, उधर की तरफ चलना है। हाँ इधर कुछ है नहीं, बस गुफा जैसा ही बना हुआ है, रूम जैसे बने हुए हैं। ये इधर ऐसा ही बना हुआ है, इसमें चल के देखते हैं। सीढ़ियाँ नहीं है इसमें। हाँ। तो चढ़ने के लिए नहीं जा रहे थे? उधर धूप है थोड़ी। इधर चल के देखते हैं। बस ये इधर ऐसा ही मिलेगा। यही है बस। नहीं बस नहीं, आगे चलेंगे अभी। बस है नहीं, इधर कार
ब्रांड फूड भी क्या होगा। चले हो गया, देख लिया, बहुत चलना पड़ता है। हाँ, ये पहाड़ी व्यू, वाओ। चलो आओ, रुको रुको थोड़ी देर। बोलो बोलो हुकुम। क्या मैं इनमें तो कुछ करना पड़ता है, सफाई करनी के लिए। देखो उधर कुछ कुएं जैसा बना रहा है पानी के लिए, वो तो चढ़ना पड़ता है। कितने सारे मंकी इधर, डॉगी भी है। इनको एलिफेंटा क्यों बोलते हैं? इनको एलिफेंटा क्यों, क्योंकि ये पता करके बताना पड़ेगा क्यों बोलते। इतिहास पढ़ेंगे एलिफेंटा के, उसका पढ़ रखा है वैसे तो छोटी क्लास में, बट अभी याद नहीं है।